और भगवान एक ही वस्तु है, पृथक नहीं है, पृथक नहीं है। यदि कोई पृथक समझे उसको नाम अपराध है, दस विधा नाम अपराध है। यदि नाम को कोई शुभ क्रिया समझे वो भी अपराध है। और दूसरे देवता का नाम और भगवान का नाम एक है, अगर ये कोई समझे तो नाम अपराध है। बहुत से कहते हैं हरे कृष्ण बोलो और कुछ देवता का नाम बोलो, सब ये नहीं, ये नहीं। क्यों? शास्त्र में कहते हैं हरे नाम सवनं कीर्तनं विष्णु, ये बताया नहीं और कोई देवता का नाम, ये गलत बात है। भगवान का नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल। भगवान का अनेक नाम है, राम नृसिंह बराह कृष्णा नारायण, अनेक प्रकार नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, हम लोग सब जानते हैं। वो नाम राम नाम कीजिए, कृष्ण नाम कीजिए, और जो भगवान का नाम सब शास्त्र में बताया वो नाम। और वो नाम में भगवान की सब शक्तियां हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। चैतन्य महापुरुष बताए जो नाम और नामी एक ही वस्तु, कोई फर्क नहीं। जब अब हरे कृष्ण नाम शुद्ध, हरे कृष्ण शुद्ध का अर्थ होता है नाम जप करने के लिए तीन अवस्थाएं होते हैं, एक तो अपराध युक्त और एक अपराध मुक्त और एक शुद्ध नाम। शुद्ध नाम से भगवत प्रेम होता है और अपराध शून्य नाम से मुक्ति होती है, और अपराध युक्त नाम में दुनिया का सुख दुख होता है। ये शास्त्र में विचार साम शुभ क्रिया मति प्रमाण। भगवान का नाम जो कोई अशुभ है संसार में, संसार तो अशुभ है ही है, तो अशुभ नाश नाम नाश करने के लिए भगवान का नाम लेने से अवश्य अशुभ नाश हो जाता है, बाकी वो अपराध हुआ शुभ क्रिया, क्योंकि उसमें नाम में प्रेम नहीं है। जब तक अशुभ अवस्था प्रस्तुत है नाम करते हैं फिर नाम को छोड़ देता है, इसलिए अपराध। जो नाम को अपने सेवा में लगा, भगवत भक्ति जो है वो भगवान की सेवा में अपने को लगा देना है, भगवान से कुछ सेवा लेना नहीं चाहिए, ये शुद्ध भक्ति का विचार नहीं है। भगवान को सब कुछ दो और भगवान से कुछ ना मांगो। और विद्या भक्ति जो है ज्ञान कर्म द्वारा कुछ चाहते हैं, जो भगवत भजन करके कुछ सुविधाएं मांगते हैं, ये शुद्ध भक्ति का विचार है। और जब तक हमारा मांगना ये विचार रहेगा तो निष्काम अतएव शांत, शांत और अशांत। अशांत कौन है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति जो दुनिया को भोग चाहते हैं, कर्मी कर्मी का केवल यही चाहते हैं जो हमारा किस तरह से खूब अच्छी तरह से भोग मिले, स्वर्गों में भोग मिले और कहीं भोग मिले और कहीं भोग मिले, इधर भी खूब भोग मिले, ये कर्मी का विचार है। अगर भगवान को कोई भोग दुनिया का भोग के लिए ही भजन करता है वो भी ठीक, क्योंकि कभी उसको भगवान का चरण मिलेगा। जैसे ध्रुव महाराज कोई दुनिया का भोग के लिए भगवत भजन किया, परंतु जब भगवान का दर्शन मिला कृतार्थोऽस्मि वरं न जाच, हमको और कुछ बर मांगे, ये भगवत भजन करने से यही लाभ है। अगर आप दुनिया का कोई चीज चाहते हैं इसलिए भगवत भजन करते हैं तब भी ठीक है, वो ठीक यद्यपि नहीं है ताकि शुरू शुरू में वो भी ठीक, क्योंकि भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृति न अर्जुन, चार प्रकार के व्यक्ति जो पुण्यवान है वो हमारा भजन शुरू कर, कौन? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, आर्त जो दुखी है
वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं बहुत दुखी है, हमको थोड़ा कृपा दी। वो भी ठीक, क्योंकि भगवान का पास आया ना। और जो दुष्कृति ना है, कुछ पुण्य है, जो कुछ पुण्य कार्य किया है, किंतु पुण्य कार्य किए हुए बिना किए हुए भगवत भक्ति नहीं हो सकती। जैसा मंत्र कहते हैं पापं जनानां पुण्यकर्माणां ते दंड महानिर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़ भजन। जो भगवान ही एकमात्र भजनीय है, जैसे चैतन्य चैतामृत कह रहे कृष्णे भक्ति कैले सर्वो कर्म कृत हो। केवल भगवान कृष्णचंद्र के भजन करने से ही हमारी सब सुख मिलेगा। ये विवेचना, ये बुद्धि, इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा, असल श्रद्धा। अरे भगवान को भी करेंगे, कृष्ण भी करेंगे, इसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। नाम ज्ञान कर्मादना।